गाइस सीन ये है, मैं इस वक्त खड़ा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक है। सबसे पहले तो ईद मुबारक पाकिस्तान वालों को, क्योंकि दुबई वाले कर चुके हैं ऑलरेडी। आज ईद का दिन है, मैं रुका हुआ था भाई के पास, भाई के घर में। तो सीन प्लान ये है, सीन ये है कि मैंने सरप्राइज़ देना था घर वालों को। मुझे लगता है और नहीं भी लगता कि ठीक जाएगा और भी नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल घर के पास खड़ा हूँ। अगर जिस तरह मैं सोच कर आया हूँ, अगर उससे ज़रा हो गया तो उससे पहले अगर किसी ने पहचान लिया घर के किसी फर्द ने, तो वो अलग बात है। तो लेकिन सोचा तो वही है कि कोशिश पूरी है, और कॉल पे हम लोग उनको सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो हम डायरेक्ट नहीं जा रहे, ठीक है, क्योंकि आपको पता भी फैमिली की वो भी होती हैं कुछ पर्सनल चीज़ें। तो हम कॉल पे उनको वीडियो कॉल करके, अगर तो एक बात तो ये है कि वो गड्डी ठोकी नवा ड्राइवर। हाँ, कॉल कर रहे हैं हम उनको, व्हाट्सएप पे करेंगे अगर वो उठा लें तो। ये भी एक गुड लक होगा कि अगर वो फ़ोन उठा लें, क्योंकि ईद के दिन है, घर वाले बिज़ी होंगे सब मेहमान में, कामों में। तो देखते हैं क्या बनता है, मेहमानों में भी, कामों में भी, और अपने आप में भी। तो अभी ट्राई करते हैं कॉल करने की, अगर कोई उठाता है तो, नहीं तो कुछ दूसरा तरीका भी देख लेंगे। कोई होश नहीं है किसी को, कॉल कर रहा हूँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है, भाई इज्जत ही नहीं है, क्या करें? वापस चल जा, वही कह रहे ना, वापस चल जा। चुप ले। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक अम्मी जी। पाकिस्तान आया बता ओ क्यों, लग रहे है क्या में लग रहे है? क्या में लग रहा है? मेरा नंबर दे, देखो केड़े नंबर तो कॉल कर रहे हैं। मैं तानू सेवियां सेवियां कल्या ने खा दिया, फिर सो रहे ने। कैमरा नहीं ऑन कर दे, तानू सूट बखाना सी मैं अपना। ऑन है मेरा कैमरा, उते ऑप्शन आ रही होनी, क्लिक करो ना। हाँ जी, सूट कैसा लगा है मेरा? बस 11 दोस्तों ना निकलिया सी बाहर, रूम से चला हूँ वापस। एक और चीज़ दा हवा तानू, केड़ी जगह केड़ी जगह है मेनू तो नहीं पता। किधर बाहर ही ना नस के, तो मामा बाहर आ रही आके फाड़ ले। तेरी मानू, हाँ जी, की हाल ने? चलो रोन वाली केड़ी गल एदे विच, इतना तो पाया ही। मैं थोड़ा समय दला बैठी अम्मी, मैं के बस अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे। जी गाइस, आपने देखा और सुना भी, जो मैंने रिकॉर्डिंग ऐड की वो मेरे माइक से मैंने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि वीडियो भी बनाई थी, लेकिन आपको मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। और वो कंडीशन ऐसी हो गई थी कि जैसे ही उनको पता चल, जैसे उनको मैंने लोकेशन शो की कि मैं अपने घर के चौक के पास, घर के पास जो चौक है वहाँ पे आ गया, उनको मैंने लोकेशन शो की वीडियो कॉल में, तो मामा तो ऐसे भागी मोबाइल फेंक के बाहर। और फिर मैं भी इधर से चला, मैं इससे पहले कि वो चौक में आ जाएं तो मैं उधर चला गया अपने घर के पास, उनको जाके मिला। मैं भी इमोशनल हो गया था साथ में, मामा तो रोई। जाहिर सी बात है, जिनका बेटा 5 साल बाद घर पे आए, और वो भी ईद वाले दिन, तो उनको खुशी भी होती है और खुशी के आंसू भी निकलते हैं। एलर्जी तो उसके बाद ऐसी हलचल मच गई कि सब बाहर आने को सोच रहे थे भागने का, तो उससे पहले फिर मैं चला गया। तो
साथ में इजाज़ भाई बैठे हुए थे, उनसे मैंने कहा वीडियो बंद कर दें, तो अभी फ्री हुआ हूँ खा पी के मेहमानों से मिल के सब फैमिली मेम्बर से, अभी गाड़ी में छुप के वीडियो बना रहा हूँ बच्चों से, बच्चे जान नहीं छोड़ रहे थे। बेसिकली ये वीडियो का एंड अप था ये, जो मैंने एंड अप भी बनाना था, तो जारी सी बात है कि पर फैमिली की पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, तो कुछ सीक्रेट्स यानी के होते हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बनाई। वीडियो मैंने बनाई है अपने लिए, अपने अपनी मेमोरीज़ के लिए कि जब मैं 5 साल बाद घर गया था तो ये सीन था, तो रिकॉर्डिंग मैं ऐड कर दूंगा। और बाकी यही था आज का दिन, और बाकी और आने वाली वीडियो में और भी ऐसे सरप्राइज शायद होंगे। मेरा एक यार दोस्त भी है, बहुत बचपन का मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, उसको भी इसी तरह मैंने सरप्राइज़ देना अगर तो वो मिल गया यहाँ पे सिटी में हुआ, नहीं तो बाज़ औक़ात वो सिटी से बाहर जाता है ऐसे मौक़ों पे। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर दें मुझे, जल्द से जल्द मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरा चाहिए, इसी महीने में चाहिए। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त ये भी मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। तबीयत भी ख़राब है मेरी, मेरे चेहरे के इम्प्रेशन से आपको लग रहा होगा, फ्लू हो गया आते ही मुझे यहाँ पे। जारी सी बात है जब आपका टाइम जोन, टेम्परेचर जोन और जो भी है माहौल चेंज होता है तो ये थोड़ी बहुत होती है ये। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, तो स्टे ट्यून, बाय बाय।